नहीं आए, हम आए उनके घर जिनमें भरपूर टैलेंट की काफी कमी है। इंडिया के मोस्ट फेमस कंटेंट क्रिएटर, ऐसा खुद को सोचने वाले छपरी के छपरी महाछपरी लॉर्डी भाई, आइए चलते हैं। आइए देख के आना टिकटॉक की वीडियो, पढ़िए पैर ना धर जाए। हम आ गए हैं लॉर्डी भाई के घर पे, बेल बजाते हैं और उन्हें बुलाते हैं बाहर। जी मालिक हैं घर पे? जी मैं ही मालिक हूँ। माना कि सारे टिकटॉकर्स की बहुत घटिया शक्ल है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी हमने आपको टिकटॉकर बताएगा। अरे आप तो पहले ही इंडियन आंटियों की तरह जज करने लग गए। ये लीजिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो दो 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 और दो और दो, बस बस आ जा तुझे आसमान में ले चलूं चांद को उसकी औकात दिखाने। मेरी महबूबा समझ रहे हो, अब यकीन आया मैं टिकटॉकर हूं, आया यकीन? सोचते नहीं हो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है, रेडी सर? एक सेकंड। रेडी, कैमरा रोलिंग है? ओके, तो कैसे हैं आप लोग? ये मत बोलिए प्लीज, प्लीज मत बोलिए, बहुत दर्द होता है। ये नहीं, इसको इसको प्लीज कट कर दीजिएगा। हाँ जी, तो हाउ आर यू? जी मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आपका नाम लॉर्डी भाई कैसे पड़ा? देखिए इसके पीछे किस्सा है। क्या है ना कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे सारे दोस्त मुझे लॉर्डी लॉर्डी कह के बुलाते थे, ए लॉर्डी धरा ए लॉर्डी धरा। तो इसलिए मैंने सोचा वाई नॉट, इससे मेरी पहचान भी बरकरार रहेगी। और आपने सुना होगा कि लॉर्डी हमेशा बहन की होती है, तो मैंने सोचा भाई की क्यों नहीं, इसलिए लॉर्डी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आप इतने फेमस हो, आपको इतने लोग जानते हैं, आपका कंटेंट लाखों लोग देखते हैं, तो इस कंटेंट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? सी कंटेंट नहीं, कंटेंट होता है। अगर आपको कंटेंट देखना है तो आप यूट्यूब पर जाओ, यहाँ तो आपको कंटेंट ही मिलेगा। और देखो मुझे कंटेंट बनाने में 4 घंटे लग जाते हैं, मतलब मुझे तो लग जाते हैं, मुझे औरों का नहीं पता। और उसको एडिट करने में और अलग से फटती है, उसको स्मूथ बनाने में और अलग से फटती है, उसको अपलोड करने में और अलग से फटती है, और जब उस पर लोग गाली बकते हैं तो और अलग से फटती है। तो लगभग इतनी फटवाने के बाद हमारा एक कंटेंट आता है, तो यही है बस। हमने देखा है कि आप लोगों को बहुत हेटरेड मिलती है, लाइक हाउ डू यू कॉप अप विद दीस शिटी कमेंट्स? सी क्या होता है ना कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ नया करते हो ना लीक से हटके, तो गाली पड़ती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना एज अ टिकटॉकर, तो मुझे भी गाली पड़ी थी। इनफैक्ट जब आपने आरजिंग शुरू की होगी तो आपको भी पड़ी होगी, तो मेरे को भी ऐसी पड़ती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। गेट खोलो आराम से, दे बनाओ तेरे टिकटॉक फैन से दिला दो तेरे को पॉपुलर क्रिएटर। गेट खोल बेटा, तोड़ू तेरे रिंग लाइट। गेट खोल बेटा। नमस्ते भैया। नमस्ते, गई तेरी माँ, 4-4 घंटे लगते तेरे को गेट खोलने में, माना तेरे को 4 घंटे टिकटॉक की वीडियो बनाने में लगते।